मैं मिसेस बलजीत कपूर एंड मिस्टर एचएस कपूर, हम दोनों यहाँ पर लास्ट 7-8-9 मंथ से यहाँ पर आए हुए हैं, और यहाँ पर आए हुए में बहुत अच्छा लग रहा है। और जैसे ही हम यहाँ पर आते हैं तो हमें अपने घर जैसा माहौल मिलता है, और ये है कि यहाँ पर कोई काम वाम करना नहीं पड़ता और खाली बैठे रहते हैं, तो थोड़ा हमें ये भी लगता है कि हम यहाँ जहाँ से हम आए हैं यहाँ आकर थोड़ा सुकून तो मिला, पर जब थोड़ा सा लगता है कि भाई कुछ काम होना चाहिए तो फिर इनकी जो फैसिलिटीज़ हैं उनमें हम अपना सारा दिन स्पेंड करते हैं और अपने आप को बिज़ी रखते हैं, और हमें नहीं पता लगता कि हमें हमारा टाइम कैसे पास हो जाता है, क्योंकि इनके पास काफ़ी फैसिलिटीज़ हैं करने को। जैसे कि शाम के समय मैं अपना आती हूँ यहाँ पर, योगा क्लास भी बुलाते हैं ये कभी कभी, और भी कई मतलब एंटरटेनमेंट के लिए इन्होंने कई चीज़ें रखी हैं जिससे हमारा टाइम अच्छा पास हो जाता है। और मेरे हस्बैंड भी, अब पहले तो मेरे साथ थोड़ा सा निकलने में थोड़ा सा प्रॉब्लम थी उनको कि मेरे से नहीं जाया जाता, पर जब इनको लगा कि यहाँ पर काफ़ी मेरे को कम्फर्टेबल है तो अब थोड़ा सा आने में इंटरेस्ट दिखाते हैं। और बाकी और जो भी फैसिलिटीज़ हैं इनका, ब्रेकफास्ट डिनर लंच तीनों हम बड़ा अच्छे से इंजॉय करते हैं, और बड़े अच्छे से इनका जो खाना है हम खाते हैं, और बहुत ही मतलब अपने ऐसे जैसा लगता है कि घर जैसा खाना है। और बाकी यहाँ आकर हमें इतना वो मिला कि हमें सुकून, कि हमारे बच्चे बोलते हैं कि मम्मी अब जब आप आओगे अब घर का काम नहीं करोगे। मैंने कहा आप तुमने इतना हमें आकर यहाँ पर फैसिलिटीज दे दी, आप तो हमें लगता है हम तुम्हारे साथ कोई घर का काम नहीं कर सकेंगे, और यही मतलब ऐसा लगता है हम यहाँ पर बड़े ठार से रह रहे हैं और बड़ी अच्छी ज़िंदगी बिता मतलब लाइफ अपनी जी रहे हैं। और अब ऐसा लगता है हम अपनी जो रिटायरमेंट लाइफ है ना, अब मेरा ब्रदर से मेरी बात हुई तो मैं ऐसे ही, उसने मेरे को देखा, रोज मेरे से पूछता है मम्मी आज क्या कर रहे हो, मेरा मतलब भाई तू क्या कर रही है। मैंने कहा मैं यहाँ पर मतलब तू जब भी तू फ़ोन उठाती तू होती नहीं। मैं कहा मैम यहाँ पर बड़ी बिजी हूँ। कहती कोई काम तो है नहीं, तू बिज़ी क्या है। मैंने कहा यहाँ पर काफ़ी है तू आकर देख। तो कहता अच्छा चलो मैं भी अपनी रिटायरमेंट लाइफ इधर ही बिताऊँगा। मैंने कहा जरूर आना, मैं कहा तू आके देख तो सही एक बार। तो मेरे पास आया एक बार, मेरे बेटे दोनों बार आए, दोनों ने बहुत देखा और उनको बड़ा अच्छा लगता है कि हमने अपने मम्मी पापा को अच्छी जगह पर भेजा, और उनको उनमें भी कॉन्फिडेंस है कि हमारे माँ बाप अच्छी जगह पे और अपने आप को बड़ा सेफ समझते हैं कि हमें अपने मम्मा पापा के साथ कोई गलत नहीं किया, कि अपनी अच्छी लाइफ जी रहे हैं और अपना उनको भी वहाँ पर टेंशन फ्री हैं हमें यहाँ पर भेज के। और हम भी उनको बहुत अपने आप से कहते कि ऐसी लाइफ हमें बच्चों ने दी, हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि हमें यहाँ पर बनी बनाई थाली मिलेगी और बना बनाया बिस्तर मिलेगा, बना बनाया वॉशरूम मिलेगा, हर काम हमें आराम से मिल जाता, हमें कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और इतना अच्छा माहौल है यहाँ पर, सब जो भी है वर्क मतलब इनके जो अटेंडेंट हैं जो भी हैं इतने अच्छे से मिलते हैं, हमें लगता है कि हमें घर जैसा माहौल लगता है। और हम तो कभी कभी सोचते हैं कि हमें जब इधर से जाना पड़ गया तो हम तो इन लोगों को बहुत मिस करेंगे। और बाकी और मैं क्या कहूँ अपने मतलब मेरे को बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर आके रहना और इनके साथ मिलकर जुलकर बात करना, और मिल बैठ के हमारे साथ सब खाना खाते हैं तो आपस में जब बात करते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि यहाँ पर कितने लोग आपस में मतलब कोऑपरेटिव भी है। अगर एक दो दिन हमें ना देखे तो पूछने आ जाते कि आप दिखे नहीं कहाँ हो, मतलब ऐसा माहौल है यहाँ पर।